Bye bye, my mustache. I have been with you since almost 1.5 years, but this is the time we'll meet again after some time. सो ऑलराइट गाइस, ये जो आपने नाश्ता देखा ये बेसिकली बकरों के बलि से पहले का जो है भोजन होता है। तो हमारे हमारे दाढ़ियों का जो हाँ बोले और इधर रहे ये क्वारंटाइन मेंबर एंड इतने दूर से ही इनको ऐसे करके कट हो गए भागो। यस ही इज इन दिस रूम एंड वी ऑल टॉक फ्रॉम हियर। ही मैक्सिमम ही कम टू हियर एंड वी आर फॉलोइंग होम करेंटली एंड यस। तो बेसिकली हमारे दाढ़ी ने जो है ये लास्ट भोजन किया और अब जो है हमारा दाढ़ी जो है वो कटने जा रहा है और इस प्रोसेस में हमारा साथ देने जा रहे हैं ये ट्रिमर जीजा जी ने लाया है बैंगलोर से, क्योंकि हमें ऑनलाइन जो है वो मिल नहीं रहा था। ऐसा बड़ी दीदी ने बोला हमें कि ऑनलाइन मतलब मिल नहीं पा रहा था, हमने बोला कि चलो जीजा जी आ ही रहे हैं तो ले आएँ यार। ऐसे भी अभी मैं कर लूँगा तो अब तो फिर पता नहीं कब फिर वापस ट्रिम करूँगा। तो यस आफ्टर 16-17 महीने के बाद मूछ, तो मैं 17 महीने के बाद कर रहा हूँ, दाढ़ी तो कुछ दिन पहले किया भी था बट दिस इज द मोमेंट। जीजा जी मुझ में मुझ रहने दे ना, हटा दो हटा दो, पक्का पड़ी थी मुझ मुझ रहने दे ना, हटा दो हटा दो हाँ हटा दो हटा दो। अरे टुंटुन एकदम ते मालिक मंगल पांडे। सो बाय बाय माय मस्टैच, आई हैव बीन विद यू सिंस almost 1.5 years, but this is the time we'll meet again after some time. Cheers. Thank you for your cooperation. Har Har Mahadev. जीजा जी ऐसा कैसा लग रहा है? Oh my God, I can't believe I'm इतने young दिखने वाले presenting to you on the occasion of मुझे लग ही नहीं रहा कि on the occasion of you know 100 मतलब 1000 subscribers, this is the new look. Let's check out the reaction. He is looking like uncle ji, जो अंकल नहीं होते हैं जो कभी कभी उनका दाढ़ी बड़ा हो जाता है तो फिर वो क्लीन शेव करते हैं। He is looking like that. वो कोई नहीं, used to हो जाएंगे लोग, थोड़े अलग लग रहे हैं, थोड़े अलग ला कर है, ठीक है, थोड़ा अलग जो है वो थोड़ा सही। जीजा जी हाँ आई एम लुकिंग, बाल भी छोटे कर लो तो अलग चलेगा। अब बाल तो ठीक है, अभी अभी फिर अच्छा लगेगा। चीयर्स। हेलो बड़े जी, हाँ आई एम आई लुकिंग, एक बार देखो इस तरफ, एक बार देखो, एक बार देखो इधर, एक बार देखो और बोलो कैसे लग रहे हैं। बहुत अच्छा। आ तुम बहुत ही काली। ऐसे ऐसे कैसे करेगा ऐसे? ये अब इसको
करना होगा। मासा जी प्रणाम। अभी 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 जस्ट बात कर रहे थे, क्या करते बाबू या सेफ किया या नहीं, मम्मी पूछ रहे थे। एकदम मस्त लग रहे। So alright guys, completed playing the Super Mario game and yes, I gave you this update. So basically ये वाला part जो है हमारे करेरा चश्मा का जो है ये खुल गया। I think I have to get a हालांकि ऐसे भी ठीक ही लग रहा है, कोई issue की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा अजीब लग रहा है, aviator सा नहीं लग रहा है। इसमें मुझे फेविक्विक लगा के करना होगा। एंड यस, हमारा साबुदाना का जो खीर इज ऑलरेडी हेयर, सो cheers. And by the way, I'm looking so gore. क्योंकि दाढ़ी ज़्यादा था और वो हट गया तो। Okay Google. Okay, I was saying to turn off the TV though, but I don't have to turn off the TV because you know I have to play PS4 now. Just got done with that, so अभी मुझे racing game खेलना है। I hope you are enjoying Musician Gamer 21, जाइए सब्सक्राइब कीजिए। सुपर मारियो खेलता हूँ, कमेंट्री भी कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप कमेंट करें कि आपको कमेंट्री के साथ वो कैसा लग रहा है। एंड बस और क्या है, सो हियर आई पुट इट ऑन। सो ऑलराइट गाइस, इट्स 7:02 हो रहा है। आई रिकॉर्डेड 2 सॉन्ग्स टुडे, एक काइट्स का है दिल क्यों ये मेरा शोर करे, एंड वन इज तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं। एंड नाउ आई एम मेकिंग इट लाइव अगेन, आई विल बी प्रैक्टिसिंग नाउ, प्लानिंग की अभी जैसे कल क्या हुआ था, कल मुझे गाना रिकॉर्ड करने का टाइम नहीं मिला और गेम खेलने का भी टाइम नहीं मिला। गेम का तो काफ़ी सारा स्टॉक अपना पड़ा हुआ है कि वो लाइव होते रहेगा। गाना अगर मैं दो तीन दिन रोज़ रिकॉर्ड करते रहूँगा तो मेरे पास स्टॉक बना रहेगा। हालांकि हमें रियाज में स्किप नहीं करना है कभी, बट स्टिल फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी रिकॉर्डिंग मोर देन वन सॉन्ग। एंड यस, अभी मैगी बनाया, अद्भुत मैगी बनाया श्रेष्ठा ने, और उधर क्वारंटाइन रूम है तो उधर जो है देखो इसलिए लोग गेट पर ही खड़े होकर बात कर रहे हैं। और आयुष कुछ नहीं हुआ बेटा, बस थोड़ा सा बदल लिए, 2 साल से ऐसे ही। दिस इज माई एक्चुअल लुक, दैट वॉज माई मतलब चेंज लुक। आपका अच्छा नहीं लगा? मुझे दाढ़ी के साथ बेहतर लगा। ठीक है, तो दाढ़ी कुछ दिन में आ जाएंगे, फिर अपनी ही खेती है बेटा। Wow, this looks very beautiful. What is this? Gobi manchuri. This is paneer. And this is paneer. What paneer? This is special paneer. स्पेशल पनीर, इतना शर्मा क्यों रही हो? स्पेशल पनीर है, कितना शर्मा रही हो? दिस इज फॉर 1k सब्सक्राइबर। दिस इज फॉर 1k सब्सक्राइबर, या दिस इज स्पेशल पनीर। बट आई डोंट वांट टू सी इन द कैमरा बिकॉज़ आई कांट सी यू। सो ऑलराइट गाइस, जैसा कि मैं आप सब लोगों को से ये बात काफ़ी बार शेयर कर चुका हूँ कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट यू नो अपग्रेडिंग योर करंट सिचुएशन से बेहतर होना और उसको अपग्रेड करते रहना, जैसे हमारे मोबाइल का ऐप्स अपग्रेड होता है। तो आई होप आप सब लोग जो है अपने पुराने सोच को अपग्रेड कर रहे हैं और कुछ ना कुछ अपने अंदर बदलाव ज़रूर ला रहे हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट वॉट सॉफ्टवेयर आई यूज़ फॉर एडिटिंग, जितने लोगों को नहीं मालूम है, आई यूज़ फिल्मोरा गो। इट्स क्वाइट यू नो चीप एज वेल, 4,000 एक्चुअली लाइफ टाइम का है, और मतलब यू कैन बाई दिस ऐप एंड इट्स क्वाइट कूल। और मैं डिवाइस जो यूज़ कर रहा हूँ वो iPhone 11 Pro Max फॉर रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैं अभी यू नो बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो आई थिंक क्वाइट क्लियर इनफ, क्योंकि DSLR भी है अपने पास, सारा मतलब यू नो रोड का माइक वगैरह भी है,
गोरिल्ला पॉड भी है, बट आई एम वेरी मच कम्फर्टेबल इन यू नो विद दिस बिकॉज एडिटिंग थोड़ा आसान होता है. तो ये अभी फिल्मोरा जो है एक छोटा सा कुछ अपग्रेड किया है. हालांकि येस्टरडे ओनली आई डिस्कवर्ड सम स्टिकर्स वेयर आई कैन पोस्ट लाइक यू कैन लाइक कमेंट ये वो कुछ कुछ चीज़ था. तो मैं अपने एडिटिंग स्किल्स को थोड़ा बेटर करने का प्लान कर रहा हूँ. एज आई सेड मैं खुद को आई एम अ लर्नर गाइस और मैं तो पूरे जीवन भर अपग्रेड करते रहूँगा खुद को, बस सीख रहा हूँ आप लोगों के साथ. एंड आई एम सो थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ यू जितने लोग भी यू नो मेरे व्लॉग को देखते हैं और समय देते हैं, उनके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. एंड यस आई विल बी फॉर एवर ट्राइंग टिल द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ यू नो आई विल बी व्लॉगिंग और आपके लिए पोस्ट करूँगा जब तक इस शरीर में जान रहेगी और जब तक यू नो भोलेनाथ का कृपा रहेगा. तो यस गाइस दैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग. सो दिस इज 6th of June सैटरडे. इट इज 3:09 PM हो रहा है एंड द टेम्परेचर इज 32 degrees Celsius. इट्स मोस्टली क्लाउडी. 3 बज रहा है, बादल की वजह से जो है थोड़ा सूर्यदेव जो है थोड़े स्थिर है, नहीं तो अभी तक वॉट लगा रहता है. हालांकि कुछ दिन से टेम्परेचर काफ़ी अच्छे तरीके से कंट्रोल. बाय द वे अभी आई एम यूजिंग दिस एज द माइक्रोफोन. प्लीज टेल मी गाइज डू यू फाइंड एनी डिफरेंस. हालांकि आई डोंट फाइंड, क्योंकि मैं जब गेम का कमेंट्री करता हूँ तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस कुछ होता है. एनीवेज जो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइए. हालांकि मैं भी इसको तब तक सुन लिया होगा लेकिन अभी नहीं सुना हूँ. आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ. तो इसके दैट वाज ऑल फॉर दिस व्लॉग. तब तक के लिए कीप स्प्रेडिंग लव एंड हैप्पीनेस. इग्नोर नेगेटिविटी, एक्सेप्ट पॉजिटिविटी. बी थैंकफुल टू ऑलमाइटी फॉर व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ. हैव अ ड्रीम, कीप ऑन चेजिंग इट. कीप क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि जो कुछ भी आपको अपनी जिंदगी में चाहिए कि आप उस चीज़ को सच में पाने के लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं. यस या नो, अगर नहीं कर रहे तो कीजिए, और अगर आप कर रहे हैं तो समझ जाइए आप हर रोज सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं. और जहाँ तक भी आप खुद को देखना चाह रहे हैं कि आप उस जगह तक पहुंचने के लिए आप सच में डिजर्विंग है. कीप ऑन क्वेश्चनिंग दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ बिकॉज दिस क्वेश्चन विल शो यू योर एग्जिस्टेंस एंड इट विल ऑल्सो मोटिवेट यू टू वर्क मोर हार्ड. तो अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो वर्क हार्ड लाइक हेल एंड टर्न इनटू द डिजर्विंग पर्सन. ट्रस्ट मी द डे यू विल बी टर्निंग अ डिजर्विंग पर्सन, गॉड विल शो गिव यू व्हाटएवर यू विल बी डिजर्विंग फॉर. क्योंकि ईश्वर हमें वही देते हैं जो हम सच में डिजर्व करते हैं, ना ही उससे ज्यादा ना ही उससे कम. तो बस हमें जो है खुद को योग्य बनाना है, मेहनत करना है, खुशियाँ बांटना है, प्यार बांटना है, बुरे सोच से दूरी बनाइए, अपने अंदर की बुराइयों से लड़िए, खुद को एक बेहतर इंसान बनाइए, जितना हो सके लोगों को समझने का कोशिश कीजिए, जितना हो सके लोगों को मदद कीजिए. ज़िंदगी काफ़ी छोटी है, यू नो लिव टुगेदर, कोऑपरेट एंड कंसिडर दिस होल वर्ल्ड एज योर्स. कंसिडर एवरी वन एज योर्स, कंसिडर एवरी थिंग एज योर्स. डोंट बिल्ड एक ज़बरदस्ती एक अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल क्रिएट मत कीजिए. बी थैंकफुल फॉर वट एवर यू हैव इन योर लाइफ एंड कीप चेजिंग वट एवर यू कैन, कीप डेवलपिंग योर यू नो इनर थॉट. दिस इज़ वॉट माई यू नो मैसेज विल बी फॉर एवर गाइज. सबके लिए वी ऑल आर ब्लेस्ड, वी 7 billion पीपल आर ब्लेस्ड. यू नो अभी बाहर जो भी सिचुएशन चल रहा है, COVID-19 है, हर एक चीज़ यू नो जिंदगी में ऊपर नीचे होते रहता है, बट द बिगेस्ट थिंग इज़ कि जब तक हम जिंदा हैं कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है, और बाकी सब एक एक्सपीरियंस है, सब सीखने वाली चीज़ है. तो बस I'll see you soon guys in the next vlog and in hashtag Shreya Chandelier Live. Ta-da. By the way, दाढ़ी आपने देखा कि शेव हुआ और 10 मिनट में इतना आ गया, वैसी कोई बात नहीं है. डेट जितने लोगों को समझ में आ रहा है वो तो. छोटी आके बाल ले जा.